ये अन्नपूर्णा पीक का और क्लियरर व्यू है जब हम लोग काठमांडू के लिए निकले हैं। नेपाल का फील लेते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी मनाकामना, एक बहुत ही सुंदर टेम्पल है, कमाल जगह है ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ वीके। तो आज है 7 दिसंबर, सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:15 और मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग हम लोग रोज़ जगते थे, लेकिन होता ये था कि काम में बिज़ी होते थे तो कुछ शूट नहीं कर पाते थे। बट नाउ आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ सो अमेजिंग यार। बादल अभी है नहीं, सुबह सुबह मौसम बहुत क्लियर होता है, तो इसीलिए जब मुझे लगा मेरे पास बहुत सही समय है तो मैं आया अपने होटल की टेरेस पे और मैंने देखा ये। सो ये सामने सारे स्नो माउंटेन्स हैं, इट्स हिमालयन रेंज, और नीचे एज यू कैन सी वही बादलों का हुजूम जो हमने देखा था कहाँ पर, यस मानुमकोट में। तो नीचे पूरा बादलों का हुजूम है और ये है अपनी स्नो माउंटेन्स की पीक, एंड दिस इज द होल विलेज विच इज़ कॉल्ड बंदीपुर। तो इस विलेज के बारे में मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 1768 में ये विलेज बना था, उसके बाद कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और ये आज की डेट में कहाँ तक पहुँचा, ये सब आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। ये विलेज की पूरी गली है, हालांकि विलेज तो नाम का ही है यार, बहुत ही सुंदर, अलग ही लेवल, बड़ा ही मास्टरपीस टाइप कुछ जगह है ये। एंड द बेस्ट पार्ट इज आर होटल व्यू, दिस इज द व्यू, माय गॉड यार, मतलब इट इज सुपर अमेजिंग। इट इज सुपर अमेजिंग, सुपर सूदिंग, जो भी बोलो आप। बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं हमारे होटल की छत पे। सो दिस इज अन्नपूर्णा पीक। आप नेपाल में मतलब पोखरा की तरफ या बंदीपुर तक भी आएंगे तो आपको यही दिखेगा मेन। तो तो जब फुल सनराइज़ हो जाता है तो ये पीक पूरी ऐसी दिखती है, वाओ। एंड अगेन यू कैन सी ये जो पूरे बादल हैं यहाँ पर, सब बादल, और कोई तो यहाँ पर व्लॉगर आया हुआ है नेपाल का कोई, वो ड्रोन उड़ा रहा है यहाँ पर और कर बड़ा अच्छे से शूट कर रहा है। अभी उसने ड्रोन उड़ाया, छोटा सा ड्रोन था उसके पास, बड़ा क्यूट सा। तो इसी के साथ अपने होटल को भी बस थोड़ी देर में अलविदा कहते हुए हम चलेंगे काठमांडू की तरफ। तो भाई इसी के साथ अलविदा कहते हैं अपने बंदीपुर के इस बहुत ही सुंदर ओल्ड इन होटल को, जिसमें हॉबिट रूम्स हमें मिले थे, बहुत ही कमाल रूम, आपने सबने देखा ही था, कमाल रूम था एकदम। वाओ, नाउ वी आर गोइंग
टुवर्ड्स काठमांडू शूट हो चुका है, अब थोड़ा घूमेंगे और करेंगे मजे। बाय बाय होटल। चलो भाई सवारियां हो चुकी हैं तैयार, बैग्स भी हो चुके हैं तैयार और अपन चले काठमांडू की तरफ। ये अन्नपूर्णा पीक का और क्लियरर व्यू है जब हम लोग काठमांडू के लिए निकले हैं, तो इस तरीके से बादल अभी है नहीं और क्या नज़ारे आप देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, इससे ज्यादा क्लियर मैं और दिखा नहीं सकता हूँ, वो तो बेस कैंप ही जाना पड़ेगा अब तो। फिर नेपाल का फील लेते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी मना कामना, एक बहुत ही सुंदर टेम्पल है और ये ब्रिज क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। सो इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज, बहुत छोटा सा था हालांकि, लेकिन अभी फील आ रहा है कि नेपाल में है वो। मनोकामना के लिए रास्ता है ना। तो हाईवे से अगेन हम लोग पहुंच गए हैं एक ऑफ रोडिंग ट्रेल पे, क्योंकि मनोकामना पहुंचने के लिए हमें ऑफ रोड ही करना पड़ेगा। और बोला तो उन्होंने कि 4x4 गाड़ी ही जाती है वहाँ पर, बट अभी पता नहीं, देखते हैं आज क्या होने वाला है, हमारे साथ कुछ आइडिया नहीं है। आप शोरूम चले जाएंगे? श्योर है, श्योर है, कोई टेंशन नहीं चल रहा। जिस तरीके से नेपाल में गाड़ी अभी तक चलती आई है, आई एम श्योर इसको डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी इंडिया जाके, इसको आईसीयू में ले जाना पड़ेगा एक बार। दिख रहा है मुझे, और ये 16 किलोमीटर का ट्रेल है एक्चुअली। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप श्योर हो ये जैसा ट्रेल है, एक बार बासु भाई को कॉल करो अभी आप। फोन लगा ना उपलब्ध नहीं कर। तभी एक घंटा दाखिल दिखा रहा है इसमें नहीं जा पा। रुक जाए, हाँ राज भाई नहीं जा पाएगी, पता नहीं कुछ आइडिया नहीं है ना। नहीं नहीं जा पाएगी, मैं बोल नीचे टकरा रहा है ना वो, नीचे वो टकरा रहा है, देखो ना पूरा रास्ता ऐसे 16 किलोमीटर है, यही घुमा ले, यही घुमा ले, नहीं जा पाएगी, रिस्की हो जाएगा मामला। हाँ वही तो, पता नहीं है रास्ता, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे जाना। एग्जैक्टली, नहीं गाड़ी कुछ हो जाएगा तो अपन लटक जाएंगे, ये चीज़ें हैं। तो हम लोग गाड़ी घुमा चुके हैं क्योंकि ट्रेल ही ऐसा है, लग नहीं रहा गाड़ी जाएगी। नहीं सही है, लेकिन ये गाड़ी आ पाएगी नहीं आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, जो हमने रास्ता पकड़ा उस पर तो गाड़ी नहीं जा पाएगी। जो हम लोग पूछते आए, जो मैप हमको लेके आया है, मनोकामना नहीं जाना है क्या? हाँ अच्छा, काठमांडू रोड में आना है क्या? हम लोग गलत पकड़ लिए फिर, ठीक है चलो बात।
को बोलो लाइव लोकेशन भेजें। हाँ बराबर पैदल वाली रोड पे पकड़ लिए हम लोग। लाइव लोकेशन भेजें, लाइव लोकेशन। ठीक है आप, ठीक है ठीक है, एक बार आशीष देबो को बोल के लाइव लोकेशन। हाँ देबो को दो, देबो देबो सर को दो। देबो भाई आपका लाइव लोकेशन भेजो ना प्लीज, मुझे शेयर करो। ओके अरे हम गलत रास्ता आ गए, वो बोले हाईवे टू हाईवे है, सही रास्ता ये पैदल वाले रास्ते पे आ गए, ये पैदल जाता रास्ता फोर बाई फोर रास्ता। बंद कर रहा हूँ अभी। बोले काठमांडू रोड पे है, जो जो तूने राइट ले लिया ना, लेफ्ट लिया ना, वो सीधा ही था मैप के हिसाब से। तो हम लोगों ने यू टर्न मार लिया क्योंकि ट्रेल इतना खतरनाक था, आगे 16 किलोमीटर का ऐसे ही ट्रेल है और गाड़ी बार बार नीचे लग रही है, और जाहिर सी बात है ऐसा ना हो मना कामना जाने के चक्कर में हमारी सारी मनोकामना यही ठप हो जाए, तो एकदम स्लो, इसलिए हम लोग बहुत स्लो स्लो अभी वापस जाने हैं, और हम लोग दूसरे किसी रास्ते से शायद जा रहे हैं जो हमें हमारे नेपाल के गुरु जी बासुकी जी ने बताया है, तो अभी हम उस रास्ते से जाने वाले हैं। वो पुलिस वाला सही बोला था ये गाड़ी नहीं जाएगी, नहीं वो हाँ। वो उसने वहाँ से भी बोला था पीछे से, कि पीछे से भी अगर हम जाएंगे सला से रिकॉर्डिंग करते हम लोग से ब्लॉग बनाते अपने सला सला गाड़ी लोडेड भी तो फुल है ना एक्चुअली, पीछे सामान भी है, बंदे अंदर बैठे हुए हैं। मंदिर ले जाता होगा, ये रोपवे वाला रास्ता नहीं था, वो उधर जाके रोप से जा।